विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ, धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को एक विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लड़के कपड़े कुछ है नहीं, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरसा से ठंडे में डूब रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए। दोनों की आपस में चारों की बात भी नहीं होती। तो महिला शक्ति का तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कहा, और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो ये कामना करते हुए, विभाग से बहुत कुछ हो रहा है, जब से रेखा जी मंत्री बनी है मैं रोज देखता हूं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंसीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया वो अक्षम्य है। मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है, और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हम सबकी भावनाओं को आहत किया है। जो हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है, हमारे देवी देवताओं में जिनकी आस्था है, उन सब की भावनाओं को चोटिल करने का काम अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से बंसीधर भगत ने किया है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की बदजुबानी उन्होंने की हो।